हेलो फ्रेंड्स, जीएस की दुनिया में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सबकी डिमांड के अनुसार और मैंने कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स के अनुसार मैंने आज अब टॉपिक बनाया है राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछली हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान तो आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना ही है। और इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझाई जाएगी कि क्या राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद न करते हुए जीएस की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स अपन बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान अपन बात करते हैं कि होते क्या हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ना, वो केंद्र की सरकार के संरक्षण में होते हैं। इनका उद्देश्य फ्लोरा और फौना की रक्षा करना है। अब ये फ्रेंड्स फ्लोरा और फौना क्या होता है? फ्लोरा होता है मतलब पौधों वगैरह, ये जो जितने भी पौधे हैं, फूल पत्ती, इनको फ्लोरा कहते हैं। और फौना मतलब होता है जानवरों से रिलेटेड। फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, फौना मतलब अपन फोन किसी को लगाएं, फौना यानी फोन किसी को लगाएं तो जानवरों से लगेगा, इस चीज़ से रिलेटेड आप याद रख सकते हैं, और फ्लोरा को भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान में तीन प्रकार के जोन होते हैं, केयर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशनल जोन। अब इनमें बात करते हैं कि केयर जोन, ये बफर और ट्रांजिशनल जोन क्या क्या होते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, केयर जोन ये होते हैं, ये सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं, मतलब बिल्कुल बीच में पाए जाते हैं। यह BSR का केंद्रीय भाग है, जहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें तो बफर जोन, यह केयर जोन के बाहर का क्षेत्र है, यहाँ भी कृत्रिम गतिविधियाँ प्रतिबंधित है। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स बात करें ट्रांजिशनल जोन, ये सबसे बाहरी क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब जो राष्ट्रीय पार्क यानी जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, केंद्र सरकार कैसे घोषित करेगी यही राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो बिग फाइव में पांच के नाम दे रहा हूँ, उसमें से किसी एक की उपस्थिति में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जा सकता है। शेर, बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, यदि इनमें से कोई एक की उपस्थिति होती है तो उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपने भारत में कुल 100 राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उद्यान किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में घोषित किया गया है। फ्रेंड्स अपन आगे और चलते हैं, जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था, तथा पहला प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट में घोषित किया गया। फ्रेंड्स ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पहली शिफ्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें कान्हा किसली, जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है इसमें, मतलब और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें, अपन बाघों की गणना ये पता कैसे लगाई इनने, तो ये पदमार्क और GPS से की जाती है। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं, MP को टाइगर स्टेट कहा जाता है। 1974 में घड़ियाल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, यमुना और चंबल नदियां घड़ियाल के लिए जानी जाती है। फ्रेंड्स अपन ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, और मैंने सारे राष्ट्रीय उद्यान नीचे दे रखे हैं, आप पूरे वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें अभ्यारण्य की, तो अभ्यारण्य क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान आप समझ चुके हैं क्या होते हैं। अभ्यारण्य प्रदेश सरकार की देखरेख में होते हैं, इनका उद्देश्य वन्य जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना होता है। भारत में कुल 500 के आसपास अभ्यारण्य है, और मध्य प्रदेश में 30 अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य दो प्रकार के होते हैं, पक्षी अभ्यारण्य और वन्य जीव अभ्यारण्य। फ्रेंड्स अपन बात करें तो 1970 में हंगुल हिरण योजना परियोजना प्रारंभ की गई है अभ्यारण्य से रिलेटेड। नेक्स्ट लॉइन प्रोजेक्ट, 1972 में लॉइन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, यानी ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया, और घड़ियाल प्रोजेक्ट 1974 में प्रारंभ किया गया। फ्रेंड्स आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक याद रख लीजिए कि 1972 में लॉयन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, तो लॉयन टाइगर के ऊपर चढ़ा और टाइगर खाने के लिए घड़ियाल के ऊपर चढ़ा, तो लॉयन से टाइगर, टाइगर के बाद घड़ियाल, 1972 1973 1974। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें, 1991 में पहला एलिफेंट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, और ये झारखंड राज्य में किया गया। फ्रेंड्स अपन आगे बात करें, पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अब अपन देख लेते हैं फ्रेंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। 1973 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर प्रोग्राम चालू किया गया, जिसके तहत फ्लोरा एंड फौना को संरक्षण प्रदान करने के लिए 669 BSR के आसपास चिन्हित किए गए पूरे विश्व में। इसमें भारत के भी कुछ BSR शामिल हैं। भारत के BSR की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 18 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, नीलगिरी
जो कि 1986 में इसे पहला बीएसआर घोषित किया गया। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है कि पहला बीएसआर कब कौन सा है, तो ये नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी में शेर की पूंछ वाला बंदर यहीं पाया जाता है और शांत घाटी इसी का हिस्सा है नीलगिरी का। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक और है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वो इसी का ही भाग है नंदा देवी का, जिसमें कई प्रकार के फूल पाए जाते हैं। 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें पन्ना, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आप इसको आराम से कर सकते हैं। केन नदी की घाटी में स्थित हंगुल हिरण व बाघ के लिए जाना जाता है पन्ना। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स बात करें फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड, मतलब पौधों और जानवरों से रिलेटेड। 1972 में वन्य जीव संरक्षण कानून पारित किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में ये लागू होगा। फ्रेंड्स आप इसको समझ सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1986 में पर्यावरण सुरक्षा कानून लागू किया गया, जो पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कानून है। अब फ्रेंड्स अपन कुछ राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य की बात कर लें। जैसे अरुणाचल प्रदेश में देहांग व देवांग है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो देहांग दर्रे से ही निकल के अपने भारत में आती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं नामदफा, यह गर्म पानी के झरनों के लिए जाने जाता है, यह भी अपना अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन आ चुका है पिछली शिफ्ट में। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और भीतरकणिका हो जाएगा। जो भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान है वो समुद्री कछुओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें केरल में तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो जंगली हाथियों के लिए जाने जाता है। शांत घाटी हो जाएगा, जो सर्वाधिक इसमें जैव विविधता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें कर्नाटक में, तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो तितलियों के लिए जाना जाता है। बांदीपुर हो जाएगा, जो हाथियों का सबसे बड़ा समूह इसी में है। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स बात करें तो सिक्किम में कंचनजंगा है। पश्चिम बंगाल में अपन बात करें तो गोरुमारा और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट अपन छत्तीसगढ़ में बात करें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में बात करें तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। गुजरात में अपन बात करें तो गिरी हो जाएगा, जो शेरों के लिए जाने जाता है, ये तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट कोई भी बता देगा। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स अपन बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, जो कि मंडला जिले में पाया जाता है। फ्रेंड्स इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कान्हा जी ने एक मंडल बना के बैठे थे और कान्हा जी सबसे बड़े हैं, तो कान्हा जी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में हो जाएगा और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पाया जाता है। रातापानी राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन देख लें राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर जो कि राजस्थान में पाया जाता है, सरिस्का भी राजस्थान में पाया जाता है, केवला देव ये इंपॉर्टेंट है, केवला देव गाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में पाया जाता है, ये आगरा से 60 से 70 किलोमीटर दूर है भरतपुर, जो प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, और पीडीएफ फाइल में मैं सारे राष्ट्रीय उद्यान डाल दूंगा, यदि आपको सब कुछ पढ़ने हैं तो आप नीचे लिंक में डाल सकते हैं। और मैं अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे मैक्सिमम कह रहा हूँ 1 आवर के अंदर अंदर मैं पीडीएफ फाइल डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उस पर आप जरूर क्लिक करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।